साथ साथ बने रहेंगे और जहां जरूरत पड़ेगी उन सभी प्रश्नों के स्क्रीनशॉट भी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। ये प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर तैयार किया गया एनसीईआरटी की वो बेहतरीन सीरीज है जहां से आपके परीक्षाओं में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। अब सभी साथी इस वीडियो में बने रहेगा, सभी सवालों के जवाब देते रहेगा, जहां जरूरत पड़े कॉपी कॉलम के साथ इसके नोट्स भी बनाते चलिएगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे फटाफट अंदाजे प्रश्नों की सीरीज को पूरा पढ़ने के लिए। पहला सवाल आपके बोर्ड आपके डिस्प्ले पर है, कह रहा है कि एक समान वेग से, जी हाँ काफी इंपॉर्टेंट, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखी जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा? वृत्त होगा, ऋजु रेखा होगा, परवल होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। आप लोग इस वीडियो को जुड़ने के साथ साथ अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, अपने सभी साथी मित्रों तक ये वीडियो जरूर पहुंचेगा, ताकि यह सेशन, ये क्लास की जो वीडियोज हैं वो हम सभी साथी मित्रों तक पहुंच सके और हम लोग भी क्लास जब प्रतिदिन क्लास के समय से साथ साथ आप भी बने रहे और आपके साथी मित्र भी आपके साथ बने रहें। जी हाँ, जब भी हम बात करते हैं इस सवाल की तो हम भी चाहेंगे इस वीडियो को हम लोग भी शेयर कर लें और आप भी इस वीडियो को अपने मित्रों तक साझा जरूर करिएगा, क्योंकि ये सीरीज काफी अहम है। चलिए अब हम भी आपके साथ बने रहेंगे इस सेशन में। यहां पर अगर हम ध्यान देने की बात है, यहां पर होगा परवलय, क्या हो जाएगा? परवलय, मतलब इस सवाल का उत्तर क्या होगा? सी। ध्यान दीजिएगा, यदि एक समान वेग से चल रही गाड़ी में एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है, तो प्लेटफॉर्म पे कोई खड़ा या एक प्रेक्षक द्वारा देखी जाने वाली जो गेंद होगा वो परवलय आकार होगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। रेडियो प्रसारण के संदर्भ में एएम का पूर्ण रूप क्या है? जी हाँ, एएम का फुल फॉर्म क्या होगा? पीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर नहीं बताना है आपको, यहाँ पर इस एएम का मतलब बताना है। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर कौन देता है। विज्ञान का सवाल है और ऐसा प्रश्न है जो बहुत बार आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न के जवाब काफी आसानी के साथ दे लेंगे और इस वीडियो के अंत तक भी बने रहेंगे। मेरी आवाज साफ आ रही, वीडियो साफ चल रहा है, एक बार कमेंट करके इसका भी जवाब जरूर दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले मेरी आवाज अब तक साफ जा रही है। जी, इस प्रश्न का उत्तर सही है, एम्पलीटेटेड मॉड्यूलेशन, मतलब इस प्रश्न का उत्तर सही होगा, ए होगा। जब वाहक तरंग का आयाम मॉडुलन सिग्नल के तत्कालीन मान के अनुसार परिवर्तित होता है तब हम वाहक तरंग की आवृत्ति तथा काल स्थिर रहते हैं, इस प्रकार के मॉडुलन को आयाम मॉडुलन कहते हैं। एएम को आयाम मॉडुलन भी कहा जाता है, ठीक है, एम्पलीट्यूटेड मॉड्यूलेशन, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए होगा। अगला है, जो वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है और वो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी लोग फटाफट इस वीडियो का जवाब भी दे लेंगे और एकदम हलवा सवाल है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये कह सके सर मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का जवाब सभी लोग दे लेंगे, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को हमारे साथ बने, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं वे सभी इस छोटे से प्रश्न का आसानी से जवाब भी दे लेंगे। तो भैया फटाफट अंदाज में आप जवाब दीजिए और अपने मित्रों को ये वीडियो भी साझा करिए। चलिए एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया है, सभी लोग फटाफट अंदाज में, हाँ वीडियो को शेयर कर दी, मैं भी शेयर करने का काम कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आप लोग भी इस वीडियो को अपने साथी मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा। अगर हमें प्रश्नों की बात करें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और इनकी ये भारत में देखा जाए 2002 से लेकर 2007 तक 5 वर्षों के लिए हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला है, वह युक्ति कौन सी है जो सिग्नल संकेत को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित कर देती है? डायोड, ट्रांजिस्टर, संधारित्र, प्रेरक। प्रश्न नंबर 4 का सभी साथी जवाब देंगे, यहाँ पर होगा ट्रांजिस्टर। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है तो आपका सवाल सही होगा क्योंकि यह एक अर्धचालक युक्ति है। अगला है आपके सामने, नीले कांच को प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है क्योंकि? सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा, गलत या सही। हम चाहेंगे जवाब सभी के हैं क्योंकि सभी लोग अगर सेशन को पढ़ रहे हैं तो सभी लोग इस प्रश्न का जवाब भी जरूर देंगे। जी हाँ, फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा सभी लोग। ऐसे मैं अपना काम कर रहा हूं, अब आपको अपना भी काम करना चाहिए, इस वीडियो को अपने साथी मित्रों तक भी पहुंचाते रहना चाहिए।
यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 5 का जो है यहाँ पर होगा, यह नीले रंग सहित सभी रंगों को संक्रमित करती है, नीले रंग सहित सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, यह नीले रंग को अवशोषित कर लेती है, नीले रंग को संक्रमित करती है, मतलब इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा डी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम आप ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी, इस प्रश्न का भी जवाब देते रहिए जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। वैसे हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि नीले कांच के जो प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है क्योंकि नीले रंग के संक्रमित होती है। ब्लैक होल की बात करें तो ब्लैक होल एक ऐसी खगोली घटना मतलब जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना ज्यादा बड़ा शक्तिशाली होता है कि प्रकाश की किरण भी उससे पार नहीं हो पाती, प्रकाश से कुछ भी उसके खिंचाव से बच नहीं सकता। और भारतीय अमेरिकी खगोलविद अगर बात करें तो एस चंद्रशेखर ने सबसे पहले इसकी जानकारी दी। इसे ब्लैक होल कहा जाता है, कृष्ण वीवर के नाम से भी जानते हैं। चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत के प्रतिपादन इसी सिद्धांत को उन्होंने किया था। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ, नए प्रश्न की तरफ। आप लोग इस प्रश्न के स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, पूरी एनसीईआरटी की सीरीज है, एनसीईआरटी विज्ञान है। अब यहाँ पे मिलान करने वाली है एयर ब्रेक स्कूटर गैस इंजन टाइप मशीन किसने किसका आविष्कार किया था। तो अगर हम बात करें जो टाइप मशीन है सभी लोग को याद होगा, सोल ने किया, गैस इंजन डैमलर ने किया है, बहुत बार आपकी परीक्षा पूछा। स्कूटर शायद आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो यहाँ पर होगा जी ब्राटसा होगा, शायद आप सभी को याद होगा जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे होंगे। एयर ब्रेक की अगर हम बात करें तो जो बचा क्या, जास वेस्टिंग हाउस। तो आप इस प्रश्न का उत्तर सही भी बता सकते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा फटाफट अंदाज में कमेंट करिएगा, वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। अगला है, किसी बत्ती में तेल चढ़ाने बढ़ने का कारण क्या है, तेल की श्यानता, तेल का दाब, तेल का पृष्ठ तनाव, तेल का घनत्व। प्रश्न नंबर 8 के सभी लोग जवाब दीजिएगा, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं। जब भी बात करेंगे तो किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा के इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करती है। केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केस तत्व के नाम से जानते हैं, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। और केस नली के कारण ही लालटेन हो या लैंप हो उसकी बत्ती का जो तेल है ऊपर चढ़ता, इसलिए तेल का जो पृष्ठीय तनाव, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका सी होगा। और ज्यादातर लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया। ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर आप सभी के लिए लाइव चल रहा है। अति चालक वह चालक है जिसका शून्य होता है विभव, कनेंट, प्रेरकत्व, प्रतिरोध। तो प्रश्न नंबर 9 का जवाब दीजिएगा तो यहाँ होगा प्रतिरोध। अगर आप सभी ने इस प्रश्न का उत्तर डी जवाब दिया है तो आप सभी के जवाब पूरी तरह से सही है, प्रतिरोध इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए प्रश्न की तरफ, नए सवाल की तरफ। तो आप सभी लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और इसे देखते रहिएगा, अपने साथी मित्रों को भी साझा जरूर करिएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, क्योंकि आजकल देखा होगा परीक्षाओं में कूट वाले सवाल खूब ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब हम यूं कहें तो कूट वाले सवालों के बहुत ही ज्यादा ट्रेंड, मतलब ट्रेंडिंग में सारे सवाल रहते हैं। अगर प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु किसी बंद परिपथ के विभव परिवर्तन का योग शून्य होता है, गलत। किसी, देखिए आप सभी लोग यहाँ पर क्या होगा, किसी बंद परिपथ के विभव परिवर्तन का योग शून्य होता है, सही है। किसी संधि पर पहुंचने वाली सभी धाराओं के बीच घटती योग अनंत होता है, ये गलत है। इसके बारे में बात करते हैं। देखिए एक आपने सुना होगा किरचॉफ, कितने लोगों ने सुना है किरचॉफ, किरचॉफ के नियमानुसार किसी संधि पर पहुंचने वाली सभी धाराओं की जो बीजगणितीय योग शून्य होता है, या किसी बंद परिपथ में विभव में परिवर्तन योग शून्य होता है, इस नियम का प्रयोग व्हीटस्टोन सेतु माने मीटर सेतु आदि में किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पहला और दूसरा ये गलत, इसलिए यहां पर होगा इस प्रश्न का उत्तर डी। कुछ लोग को ये पहली बार प्रश्न मिला होगा इसलिए इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, भविष्य में अगर ये प्रश्न आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। अगला है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ाते समय सांस की परेशानी क्यों महसूस होती है। जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी मित्र इसका जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा। जी हाँ, अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 11 की, तो वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं, ये गलत है। उन्हें फेफड़े बहुत बड़े होते हैं, ये भी गलत है। वे कम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, क्यों, देखिए क्यों नहीं महसूस होती, ध्यान दीजिएगा क्यों नहीं महसूस होती, उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका डी, कि उनमें क्या होते हैं, अतिरिक्त वायु कोष होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा डी। सभी लोगों ने लगभग सही जवाब दिया है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे थे। किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी के माध्यम क्या है, तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे थे वे सभी साथी मित्र इस प्रश्न के जवाब को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देंगे। तो फटाफट अंदाज में आप सभी लोग जवाब दीजिएगा, जो भी लोग इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जवाब दीजिए फटाफट कमेंट करके।
बताइए फटाफट कमेंट करके। हाँ जी हाँ, अगर प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो 36,000 किलोमीटर, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण है सभी के लिए। अंतरिक्ष में किसी उपग्रह की परिभ्रमण की वह कक्षा जिसमें स्थित किसी भी उपग्रह का जो परिभ्रमण काल है पृथ्वी के परिभ्रमण काल के बराबर होता है, तो उसे हम भू स्थैतिक कक्ष कहते हैं। इसमें उपग्रह पृथ्वी से स्थिर दिखाई देता है। तुल्यकालीन उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, आपके परीक्षा में पूछा जाता है। अगला है, लक्स किसकी लंबाई है, बल की, ताप की, द्रव्यमान की, प्रदीप्त की। तो प्रश्न नंबर 13 का जवाब दीजिएगा, जी हां, लक्स जो है यह प्रदीप्त की इकाई है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जितने भी लोग सिलेक्शन के लिए इस सेशन में बने हैं, इस सेशन में प्रतिदिन टाइम से आते हैं और पूरे क्लास को अंत तक पढ़ते हैं और बने रहते हैं। अगला है आपके सामने पूछा है रडार, रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। सवाल एक आता है, रडार का फुल फॉर्म क्या होगा, अगर हम पूछें रडार का फुल फॉर्म क्या होगा तो सभी लोग जवाब दीजिएगा फुल फॉर्म रडार का क्या होगा। सभी लोग देखिए, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं डेली क्लास में बने रहने के लिए, टेलीग्राम पर आप दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़िएगा। सभी लोग ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर मेरे द्वारा निःशुल्क देशित में राष्ट्रीय में लाइव चल रहा है। अगर प्रश्न नंबर 14 की बात करें तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा यह भी पता लगाया जा सकता है कि वायुयान की गति तथा दिशा की क्या स्थिति, माने वायुयान की जो गति है और उसकी जो दिशा है उसकी स्थिति क्या है, वह भी इसके माध्यम से पता लगाया जा सकता है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, प्राय इंटरव्यू सवाल पूछा जाता है कि आप कहां से आ रहे हैं, बताते हैं सर घर से आ रहे हैं तो कुछ खा पी के, बोलते हैं सर मैं पानी पी के आ रहा हूं, तो पूछा जाता है कि एक गिलास पानी में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो सभी लोग जवाब दीजिएगा, बहुत आसान सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जवाब दीजिएगा, बॉक्साइड किसका अयस्क है। प्रश्न नंबर 16 अगर आप रेगुलर क्लास पढ़ रहे होंगे तो आप आसानी से इसका जवाब दे लेंगे कि एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है। सभी लोग जवाब दीजिएगा, शायद आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा Al2O3 × 2H2O, शायद इसका नाम सुना होगा। ये प्रश्न नंबर 16 की बात करते एल्युमिनियम का, यहां पे ध्यान से देखिए एल्युमिनियम का, माने एल्युमिनियम के जो मुख्य अयस्क बॉक्साइड है Al2O3 × 2H2O, जो एल्युमिनियम के जल योजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। आप चाहे इसकी भी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, तो 0 कैलोरी मिलती है, इसको भी आप लोग रट लीजिएगा, 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगला है, घर बैठे सभी नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, चाहे पीसीएस हो, केवीएस हो, लेखपाल हो, यूपी पुलिस, सुपर टेट यूपी, यहाँ पे टेट के भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जूनियर की, प्राइमरी की, सुपर टेट की, बिहार शिक्षक भर्ती, बीडोर एग्जाम, इन सभी की भी नोट्स आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। उसका नंबर यहाँ पे दिया गया है जो आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। सिगरेट के धुएं से के मुख्य प्रदूषक हैं, सिगरेट का जो धुआं है उससे क्या निकलता है, तो एकदम रट लीजिएगा, सिगरेट का धुआं हो या प्रदूषण जब होता है कोई गाड़ी अगर हो तो वहां से सीओ गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, सीओ गैस निकलती है। अब सीओ गैस से आप अंदाजा लगा लेंगे कि हाँ सर यहां से क्या इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है बताइए, तो सिगरेट से कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन निकलती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी होगा। अगर आपने 20 सवाल का जवाब बताया और आपके मन में प्रश्न का उत्तर बी आया था तो जवाब सही है। पूछा कौन सा सही सुमेलित है, यहाँ पे ये पूछा प्रश्न नंबर 18 में, कौन सा सही सुमेलित है, सल्फर डाइऑक्साइड दांत के लिए गलत, फ्लोराइड प्रदूषण भोपाल गैस त्रासदी गलत, मिथाइल एसोसाइनेट अम्ल वर्षा गलत, ओजोन रिक्तता चरण कैंसर, जी ओजोन की जो रिक्त हो रहा जगह खाली रूप से जो परावैज्ञानिक किरणें आती है, अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है उसकी वजह से क्या होती है, चर्म कैंसर होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, डी होगा। तो आप लोग को शायद ही पता होगा मिथाइल एसोसाइनेट की वजह से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ये बात आप लोग को शायद पता होगा, कुछ लोग जानते होंगे, यहां से सवाल आपके परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिया जाती है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है, न्यूटन है, लुई पाश्चर है, आर्किमिडीज है, ये सभी प्रश्न नंबर 19 का जवाब दीजिएगा। जी हाँ, उत्प्लावकता से संबंधित जो वैज्ञानिक है आर्किमिडीज है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी होगा। लुई पाश्चर का संबंध किससे, कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे साथ नोट्स बना रहे हैं क्लास में तो इसकी नोट भी अपने पास लिख लीजिएगा। अगला है, इंडियन गैस हो, भारत गैस हो, एचपी गैस हो, कोई भी हो सकता है, किसका मिश्रण है, ये बहुत बार आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है और हम चाहेंगे कि जो चीज आपके लिए पूछी जाती है आप उन्हें जरूर बताइएगा। इंडियन गैस क्या है,
एक एलपीजी गैस है, कौन सी गैस है? तो ये पूछा था एलपीजी गैस किस का मिश्रण है, ये रसोई गैस के रूप में उपयोग किया जाता है, ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, गंध के लिए इसमें क्या मिलाई जाती है? कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। जितने भी साथी मित्र इस क्लास को पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं, अगला है यहाँ पर आपको मिलान करना, मॉर्फिन बोरिक अम्ल है, जर्मन सिल्वर है और सोडियम है। तो फटाफट अंदाज में सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ बने हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, बताइए फटाफट कमेंट करके। जवाब ही नहीं देते आप लोग, वही है, गलत होगा सही होगा इससे ज्यादा क्या होगा, बताना तो चाहिए ना। हम देखिए क्या करते हैं, बताते हैं आपको, पढ़ाते हैं, हमारा उद्देश्य यही है कि गलत सही जो भी हो जानना जरूरी है आपके लिए। अगर हम बात करें कि जर्मन सिल्वर क्या है, तो ये जर्मन सिल्वर क्या एक मिश्र धातु है। इस सोडियम क्या है बता सकता है? इसका संबंध किससे? कैरोसिन तेल से रखा जाता है। क्यों? इसे कैरोसिन तेल में नहीं रखा जाएगा तो ज्वलनशील हो जाएगी, हवा के संपर्क में आएगी तो इसमें आग लग जाएगी। मॉर्फिन का संबंध किससे है? तो मॉर्फिन का एनाल्जेसिक से हो गया, और बोरिक अम्ल जो है एंटीसेप्टिक, मतलब यहां पर अब आपको कमेंट करके बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। फटाफट अंदाज बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हां, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपका बी होगा। हम बढ़ रहे हैं सवाल की तरफ। अगले अगला आपके सामने फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलेन जलीय विघटन है, सोडियम टेट्राथायोनेट का, सोडियम सल्फेट का, अमोनिया सल्फेट का, सोडियम थायोसल्फेट का। प्रश्न नंबर 22 का जवाब जरूर दीजिएगा। जी हाँ, अगर इसके अणुसूत्र की बात करें तो इसका अणुसूत्र क्या है, कोई बता सकता है? यह है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का अणुसूत्र क्या है, कितने लोग इसके अणुसूत्र के बारे में बता सकते हैं? देखिए Na2 है, Na2 है, H2O3 इंटू 5 H2O है, Na2 H2O3 इंटू 5 H2O है, सोडियम सल्फेट का। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रभावित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम रट लीजिएगा, ये केपलर महोदय ने किया था। किसने? केपलर महोदय ने किया था, ठीक है। इन्होंने बताया कि सूर्य, सबसे पहले बताया कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का पद जो दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार है, ठीक है। हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हम आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ जो आपके सामने है। कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट, जवाब दीजिएगा। बताइए फटाफट कमेंट करके। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करिए फटाफट कर। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए, जवाब दीजिएगा। जी हाँ, अगर प्रश्न नंबर 24 की बात करें तो यहां पर क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। देखिए कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। सभी के जवाब इसमें लगभग सही होंगे। अगला है, पॉलिथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं पॉलीमर से, प्रोटीन से, अकार्बनिक अणुओं से, न टूटने वाले अणुओं से। तो एकदम रट लीजिएगा, ये पॉलीमर से बनी है, ये बहुत बार पूछा जाता है, माने ऐसा सवाल है जो आपकी परीक्षा में हम यूँ कह सकते हैं सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है, ठीक है। आगे चले अगले प्रश्न की तरफ, किसी कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो तो हमसे पूछ सकता है, वरना हम आपके साथ और आगे चलेंगे। स्वचलित वाहन निर्वाचक का सबसे अभिसालु धातु प्रदूषक है, मरकरी है, कैडियम है, कापर है, लेड है। अगर हम प्रश्न नंबर 26 की बात करें तो यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा डी, लेड। गर्म करने से विस्तारण होता है, किसका विस्तारण होता है कमेंट कर बताइएगा। पदार्थ का भार बढ़ा देता है, गलत। सभी द्रव को ठोस पदार्थ समान अंतर कर देता है, गलत। पदार्थ का घनत्व घटा देता है, सही। केवल ठोस पदार्थ में होता है, गलत। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। अगर आपने सवाल का उत्तर सी बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, यानी सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। गंधक है, कार्बन है, ऑक्सीजन है,
नाइट्रोजन है। प्रश्न नंबर 28 के जवाब सभी छात्र दीजिएगा। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा कार्बन। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी कार्बन बताया है तो आपका जवाब सही है। अगला सवाल है, अच्छा थोड़ा एक्सप्लेन भी करते चले, हमें लगा टाइम हो जाएगा इसलिए क्लास को थोड़ा सा जल्दी खत्म करना है। सड़क की रोशनी में प्रयुक्त इस पीले लैंपों में किसका उपयोग करते हैं, बताइए सब लोग 29 का। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आया कि हाँ थोड़ा एक्सप्लेन करिए, तो मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। तो सोडियम वाष्प लैंप सड़कों के किनारे पर प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसमें विकिरित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कुछ कम होती है, इसलिए पीली रोशनी देते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना वो होगा सोडियम। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से ओजोन रिक्त कारक है, माने किसकी वजह से ओजोन में क्षय हो रहा है, ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, हेलान से हम 1, 2, 3 तीनों है, तो इसमें कुछ बताना नहीं है। ठीक, ये आप लोग कर लेंगे। प्याज निम्नलिखित में से किसका विकसित अतिशोधित रूप है, तो ये एकदम हलवा सवाल है, आप लोग भी जानते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग इसका जवाब भी दे लेंगे, सभी साथी मित्र जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। इसमें जैसे अगर हम बात करें कंद जो होता है आलू होता है, सल कंद की बात करें तो प्याज लहसुन लिली होता है, धन कंद की बात करें तो केसर होता है, जमी कंद होता है, अरबी होता है, बंडा होता है। बंडा आप लोग ने सुना होगा, पता नहीं आप क्या किस नाम से जानते हैं। प्रकंद जो होता है हल्दी होता है, अदरक होता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, प्याज की अगर हम बात करें तो कंद होता है, टबर होता है, तना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। हम आगे चलते अगले सवाल की तरफ। जो आपके देखिए नोट समझे, अगर कोई भी जानकारी चाहिए इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी जानकारी ले सकते हैं, हो सकता है आपके काम आ जाए, नहीं भी काम आकर वीडियो लोगों को शेयर कर दीजिएगा, लोगों तक अपने पहुंचा दीजिएगा, मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा। यहाँ पर मिलान करना है कमजोर नजर, अरक्तता, त्वचा समस्या, हड्डियों का टूटना। आप देखते हैं विटामिन से सवाल हर प्रश्न में हर परीक्षा में पूछा जाता है, तो जब अगर आपको ये पता है कि नहीं विज्ञान से जब भी साइंस में इनसे सवाल पूछे जाते हैं तो भैया इनको रट लीजिए। ठीक है, कमजोर नजर की बात करें तो विटामिन ए की कमी से सिम्रतौधि कहते हैं, अरक्तता की बात करें तो आयरन की कमी से होता है। ठीक है, त्वचा की जो समस्याएं होती हैं वो किसके जैसे होती है, विटामिन सी की कमी से होती है। हड्डियों का टूटना, कैल्शियम की कमी है, जब हड्डी उड्डी टूटती है तो डॉक्टर कैल्शियम की दवा लिखता है। तो इसलिए जी नमस्ते, हेलो, और आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, क्लास में भी बने रहिएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कॉमेंट करके बताइएगा आपके हिसाब से। ए का तीसरा है, मैंने ए का तीसरा यहाँ पे है, अच्छा डी का जो है चौथा, डी का चौथा, ए का तीसरा, मतलब यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा सी का दूसरा, सी का दूसरा। हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ जो आपके सामने है। कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है, देखिए नहीं अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो गलती कर जाएंगे। मलेरिया है, फाइलेरियासिस है, स्लीपिंग सिकनेस है, डेंगू ज्वर नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा डी, डेंगू ज्वर नहीं है। हाँ, डेंगू ज्वर एडिस इजिप्टी, एडिस एल्बोटिक्स, क्यूलेक्स फटिगंस नामक मच्छर से संचारित होते हैं। निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस सीसी मक्खी से के कारण होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे देखिए ये डेंगू ज्वर भी होगा, स्लीपिंग सिकनेस जो होता है ना ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो होता है ना सीसी मक्खी से होता है, सीसी फ्लाई से होता है, सीसी मक्खी से, क्योंकि जब ये काट लेती है ना तो नींद खूब आती है, ये इसके काटने बाद, क्योंकि डेंगू ज्वर जो होता है ये भी मच्छर से ही होता है, ये भी मच्छर वाहक है, ये भी मच्छर वाहक है। ठीक है, तो सीसी जो मधुमक्खी होती है इसकी वजह से होती है, और ये अगर बात करें तो भूमध्य रेखा के जंगलों में ज्यादा मिलते हैं, भूमध्य रेखी जंगलों में पाए जाते हैं। कौन, ये सीसी मधुमक्खी जो होती है, हमने सीसी मक्खी कह सकते हैं इसे हम। ठीक है, ये मलेरिया मादा मच्छर काटने से होता है। अगर हम बात करें फाइलेरियासिस सूत्र जो है कृमियों के कारण होता है, फाइलेरियासिस जो कृमियों के कारण होता है, ये भी मच्छर की एक प्रजाति है। ठीक है, हाँ डेंगू नहीं होगा, स्लीपिंग होगा। ठीक है, सर इधर कमेंट पढ़ रहे थे, आपका कमेंट पढ़ रही इस वजह से हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, स्लीपिंग सिकनेस हो गया, मैं इसको कुछ और समझ रहा था, मैं ध्यान नहीं दे पाया। चलिए अगला, निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है, तो याद रहे केचुआ को और सांप को, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा डी होगा।
आइए जानते हैं कि केचुआ को किसानों का मित्र कहते हैं, प्रकृति का हलवाहा कहते हैं, पृथ्वी आत एवं मृदा उर्वरता का जो बैरोमीटर भी से कहते हैं, पृथ्वी की आत एवं मृदा उर्वरता का बैरोमीटर के नाम से भी जानते हैं। इसके कई उपनाम है, इसे प्रकृति का हलवाहा कहा जाता है। कितने लोग को यह बात पता था, इसे पृथ्वी की आत मृदा उर्वरता का बैरोमीटर भी कहते हैं। हो सकता है आप लोग को पता होगा, नहीं भी पता होगा। हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इस प्रश्न का उत्तर जो था वो है बी। अब यहाँ पे देखिए ब्लड से संबंधित है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न का जवाब खूब आराम से दे लेंगे सभी लोग, ठीक है। जरा कमेंट कर बताइए, सर्वदाता वह व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग क्या होगा, ओ होगा, और ये सर्वग्राही है। कौन सा सही सुमेलित है, तो बहुत आसानी से बचा लेंगे यहाँ पे, इसमें कौन सा सही सुमेलित है बताइए फटाफट कमेंट करके। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करके बताएंगे। देखिए इकोलॉजी, अगर इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी क्या है, अर्नेस्ट हैकल है, यहां से प्रश्न आता है अर्नेस्ट हैकल है। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें, एडवर्ड, यहां पे एडवर्ड सुयश है, मतलब ये सही है। इको सिस्टम की अगर हम बात करें तो एजी टांसल है, इको का क्या है, एजी टांसल है। जैव विविधता की अगर हम बात करें तो कौन है, रेमंड है, रेमंड है और डासमैन है, ठीक है। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इधर का आपका सी। अगला है लाइकेन सबसे अच्छा सूचक है ध्वनि प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का या मृदा प्रदूषण का, यहां पर है वायु प्रदूषण का। ये हलवा सवाल है, साइंस में भी है, इन्वायरमेंट स्टडी में भी है। वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, जो वृक्ष की आयु है कैसे निर्धारित की जाती है, कितने साल का वृक्ष है, तो आप जानते हैं उसमें जो ऐसे वलय बना होता है उसी वलय से हम ये जान पाते हैं कि वृक्ष कब का है। तो यहां पर उसके वलयों की संख्या के आधार पर, कक्षा 6 के एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, कक्षा 6 के एनसीईआरटी में, ठीक। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख ले, वैसे आपकी मर्जी। अगला आपके सामने, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इस प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। बढ़ जाती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, परिवर्तित नहीं होती, कम हो जाती है तो हो जाएगा बढ़ जाती है, मतलब इस सवाल का आंसर होगा ए। देखिए जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति तेज हो जाती है। जब मानव लगातार से दौड़ता है खूब या काम करने लगता है, थक जाता है, आपकी भाषा में कि खूब दौड़ रहा है, खूब ज्यादा वर्क कर रहा है, तो सांस क्या होती है, खूब तेज से फूलने लगती है, हंफने जैसा लगता है। तो कारण क्या होता है इसका, कि जब मानव लगातार दौड़ता है या काम करता है तो ऑक्सीजन की पूरी कोशिका में पहुंच नहीं हो पाती, जिसके थकावट होने लगती है और आराम करने पर फिर रिलैक्स सही हो जाता है। अगला है, सौर ऊर्जा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो आप जानते हैं जल चक्र की, नाइट्रोजन चक्र की, कार्बन चक्र की, ऑक्सीजन चक्र में। सौर ऊर्जा में क्या है, सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो ऑक्सीजन चक्र की होती है, ठीक। वैसे जल चक्र भी होगा लेकिन यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है। हम चाहेंगे आप लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं वे सभी इस प्रश्न के जवाब जरूर देंगे। अगर हम बात करें तो यहां पर कई देश है, स्कैंडिनेवियाई जो देश है जैसे आइसलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, तो यहां पर इस प्रश्न को तो गाया होगा, ठीक है। वैसे नॉर्वे है, इसके अलावा भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, नॉर्वे का अलावा भी डेनमार्क है, स्वीडन है, आइसलैंड है, यहां पर भी सामान्यतः अम्ल वर्षा ज्यादा होता है। ठीक है, नॉर्वे में। वैसे मैं बता किसको रहा हूँ, सॉल्व किसको कर रहा हूँ। एक ज्योधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है, एक ज्योधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो यहां पर क्या होगा, इसे हम कहते हैं ग्रीन प्लेनेट, हरा ग्रह, ग्रह के नाम से जानते हैं, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों में सबसे कम
सुभाविक है, जैसे आपको जब बताना शुरू करते हैं फिर लिखना शुरू करते हैं तो ध्यान थोड़ा सा हट जाता है। तो बताइए फटाफट कमेंट करके, जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव हमारे साथ देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथ ही जवाब दीजिएगा, स्पष्ट है उत्तर क्या होगा। सबसे कम हानिकारक है मस्तिष्क ए। विटामिन ए शरीर में कहां संचित रहता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में बहुत बार आपके पूछा जाता है। बताइए विटामिन ए शरीर में कहां संचित रहता है? जब हम बात करते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा यकृत में है। जैसे आप कैमरा को देखना होता है, ऊपर कैमरा ऊपर लगा होता है, फिर बोर्ड को नीचे देखो फिर नीचे लिखो, तो थोड़ा सा ध्यान बढ़ जाता है कई बार। तो यहां पर इस बात करें तो यकृत में रहता है। यकृत में कैसे, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मानव शरीर में यकृत विटामिन ए संचित रहता है। ये विटामिन वसा में विलीन और शरीर में वृद्धि में सहायक भी होता है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए नोट्स संबंधी जो भी जानकारी चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ये नोट्स आपके काम आ जाएंगे, क्लासेज भी आपके काम आती रहेंगी, आप चाहे इसको अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो आपके सामने है। कौन सा टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता? कौन सा टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता? नहीं ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नहीं वाले प्रश्न बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग होते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए जापानी एंसेफ्लाइटिस यही आपका होगा जो गलत है। चिकनगुनिया का पीज ज्वर होगा, डेंगू होगा, तो यहाँ पर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। टाइगर मच्छर अथवा जो जंगल दिन मच्छर एंडीज एल्बेप्टिक्सिस स्टेगोमिया एल्बोपिक्टा सफेद पट्टी वाला काले रंग का मच्छर, सफेद पट्टी होती है और काले रंग का मच्छर होता है, उसे हम टाइगर मच्छर कहते हैं। समझ में आ गया आपको टाइगर नाम कैसे उसका पड़ा है? सफेद पट्टी की काली मच्छर को कहा जाता है। यह एलो फीवर डेंगू चिकनगुनिया आदि बीमारियों को फैलाता है। कंप्यूटर वायरस कहते हैं, कंप्यूटर भी आपके सिलेबस में और आपको शायद पता होगा विज्ञान के अंतर्गत आपको कंप्यूटर भी पढ़ना होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ना होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होती है, फिर जो अंतरिक्ष विज्ञान होता है उसको भी आपको पढ़ना होता है, उसका भी अध्ययन करना होता है आपको। कंप्यूटर के वायरस का मतलब क्या है? कंप्यूटर का हार्डवेयर है, विध्वंसात्मक कोड है, प्लेग वायरस है, एक नवीनतम वायरस है। बहुत आसान है, ये विध्वंसात्मक कोड होता है, ठीक है। कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? एकदम आसान सा सवाल है। मॉडेम है, अपलोड है, साइबर स्पेस है, लेकिन प्रकाशी भंडार नहीं है। ये तो फिजिक्स का और भूगोल का सवाल है, मतलब सवाल का उत्तर आपका हो गया बी। हम बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ। अरे नया नवीनता वायरस नहीं है, ये तो वायरस को ही कहा जाता है ना, तो ये गलत है आपका। हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ जो आपके सामने है। देखिए टॉप के 50 सवाल होते हैं डेली, आज के टॉप 50 सवाल आपके सामने आ चुके हैं और मुझे लगता है जल्दी खत्म हो रहे हैं क्या टॉप 50। तो आप लोग टेलीग्राम पर जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़ेंगे। सभी साथी मित्र टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश्वर सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास और नोट संबंध में अगर कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को जब भी आप देखिएगा अपने मित्रों को साझा करिएगा। चैनल पर नया आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा ई-लर्निंग विद दुर्गेश को और वीडियो को अपने मित्रों को साझा जरूर करिएगा। ये नोट्स आपको घर बैठे आसानी से मिल सकते हैं। ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर एनसीईआरटी के सभी नोट्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा धुंधला दिख रहा है तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, सब एकदम साफ दिखाई देगा। निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा उत्पादन पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? माइक्रोप्रोसेसर कंप्यूटर, कंप्यूटर चिप मोबाइल चिप है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा? माइक्रोप्रोसेसर होगा, ए इस प्रश्न का सही जवाब। अगला है विश्वव्यापक जाल WWW मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा जाता है। आविष्कारक कौन? मैं इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ रहा हूँ, टी बर्नर्स ली, मतलब इस सवाल का उत्तर क्या होगा आपका? ए होगा। अगला है पहले कंप्यूटर माउस के जन्मदाता कौन थे? बहुत बार आपके सवाल पूछा है, डगलस एंगलबर्ट, यहाँ पर सवाल का उत्तर क्या होगा? बी। अगर आपने भी सवाल का उत्तर बी बताया है तो आपके जवाब यहाँ पर सही है। आज के टॉप 50 पूरे हुए, कल फिर हम लोग आते हैं इसी समय क्लास में बने रहेंगे, क्योंकि कंप्यूटर भी आपके सिलेबस में, यहाँ से भी आपके परीक्षा में सवाल आता है। उम्मीद करते हैं जितने भी साथी मित्र वीडियो को देख रहे थे वे सभी इस वीडियो को शेयर किए होंगे, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखे होंगे, चैनल पर नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। क्लास के टाइम आप लोगों को पता है ना प्रतिदिन क्लास टाइम से चलती है, टाइम तक चलती है, इसलिए आप लोग सभी लोग आइएगा। टॉप 50 प्रश्न हम लोग डेली पढ़ते रहेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी साइंस है तो जरूरी है कि आपके सिलेबस
में इसका कितना अहम रोल होगा, कितनी अहम भूमिका होगी। लेकिन आप लोग डेली क्लास में समय से रहिएगा, मैं बार बार आपसे कहूंगा, क्योंकि तभी आप पूरे प्रश्नों को पढ़ पाएंगे। एक बार अगर आपने प्रश्नों को पूरा पढ़ लिया तो दोबारा कभी प्रश्न आएंगे तो आप उसे आसानी से जवाब दे लेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में चीजें बनी रहेंगी। ठीक है, तो जो लोग लेट से आ रहे हो कल से अगली क्लास में समय से और टाइम से रहेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात, मेरी आवाज, मेरी क्लास सब कुछ समझ में आ रही होगी। फिर भी थैंक यू, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई दिक्कत, कोई सवाल, कोई प्रश्न कमेंट कर सकते हैं। कोई व्यक्तिगत सवाल हो तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। आप सभी का थैंक यू, कल से समय से रहिएगा, अगली क्लास में आप लोग टाइम से और समय से रहिएगा। थैंक यू आप सभी का, बाय बाय, सभी को थैंक यू।